मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान शहर के व्यापारियों के साथ मिलकर महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा को जिताने के लिए अपील की, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर एकजुटता दिखाते हुए पार्टी के हित में काम करने की बात कही। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेसियों में जान फूंकने के लिए पहुंचे हैं। आज ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा आयोजित किया गया है। दोनों पार्टियों को इस नगर निगम चुनाव को जीतने में खासा पसीना बहाना पड़ रहा है और यही कारण है कि पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों का लगातार जिले का भ्रमण करना पड़ रहा है। हद तो यहाँ तक हो गई कि दोनों ही पार्टियों के वार्ड पार्षदों का प्रचार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वार्ड पार्षद स्वयं अपने वार्ड में अपनी इतनी छवि साफ नहीं कर पाए जो अपने दम पर चुनाव जीत सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा कितनी ऊर्जा भर पाता है। आइए सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कहा है। कांग्रेस ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। अगर हमने कहा हम कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कहने कृषि, और जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ वो रीवा के बाजार में आके उसने अपने पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदी। ये आपकी गतिविधि बन गई। कृषि क्षेत्र में न्याय हो, उनको समर्थन मूल्य मिले। आज 22% लोगों को, किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। हरियाणा पंजाब में 95% को किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। हमारे मध्य प्रदेश के किसान केवल 22% इनको समर्थन मूल्य मिलता है। ये आज हमारे प्रदेश पर, आज हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचता है वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। क्यों? उससे आर्थिक गतिविधि बनती है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये आज मैं तो आपसे एक ही बात पूछता हूं, आज बीजेपी और शिवराज सिंह जी किस बात पर वोट मांग रहे हैं? उन्होंने दिया था बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों को के साथ अन्याय, बीज खाद, महंगी बीज खाद और घर घर में शराब थी। ये अगर सच्चाई है या आप सबके सामने आज ऑडिटिंग चरण कैसे हो, हमें 2032 का एक विजन बना है। 2036 का क्या रीवा हमारा होगा? हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को कौन सा रीवा, कैसा रीवा देना चाहते हैं? क्या हम छाती ठोक के कह देंगे ये हमारा रीवा है? तो ये आज चुनौती हमारे सामने है। जब तक हमें एक विजन प्लान ना बनाए, जब मैं मुख्यमंत्री था मैंने कहा था हर नगर निगम का एक मास्टर प्लान बने 10 साल बाद, तब हम क्या करेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे। 22 शिवराज की सोचते हैं, ये सब टेलीविजन से हो जाएगा। ये नाटक नौटंकी सी, क्या हमारा रीवा सुरक्षित रह सकता है? आज आर्थिक गतिविधि जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़ेगी? जिसके किराने की दुकान गांव में है उसकी गिनती जीडीपी में नहीं होती, आपकी गिनती जीडीपी में नहीं होती, पर आपकी गिनती आर्थिक गतिविधि के इंडेक्स से होती है।